हाय फ्रेंड्स, हैप्पी महाशिवरात्रि। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज है महाशिवरात्रि और आज का मेरा ब्लॉग होगा महाशिवरात्रि के ऊपर। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज महाशिवरात्रि के ऊपर मेरा ब्लॉग रहेगा। घर हम लोग का पूरा आज क्या काम है वो भी रहेगा और आज का पूजा दिन है, आज मेरा फास्ट है और मैं पूजा करने जाऊँगी। फ्रेंड्स, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए, चलिए देखते हैं मैं क्या क्या करती हूँ। चलिए, व्लॉग शुरू होता है घर की सफाई से। अभी मैं घर साफ कर रही हूँ, मेरा बेडरूम क्लीन हो चुका है। बेडरूम साफ करने के बाद मैं हॉल साफ कर रही हूँ, डाइनिंग टेबल क्लीन कर रही हूँ। डाइनिंग टेबल विंडो के सामने रखा हुआ है इसलिए बहुत धूल बैठ जाता है डाइनिंग टेबल पर। टेबल पे दो बोतल रखती हूँ, उसमें अभी फ्रेश पानी भर रही हूँ ताकि हमको कभी भी प्यास लगे तो हम पानी निकाल के इसमें पी सकते हैं। मैंने पानी भर दिया है, अब मैं ये जग को किचन में लेके जाऊँगी और इसमें पानी भर के रख दूँगी ताकि बाद में भी हमको भरना पड़ सकता है। अब मैं झाड़ू लगाना शुरू करूँगी, इससे पहले हम सेंटर टेबल को साइड कर रहे हैं। कारपेट क्लीन करेंगे, इसमें मेरे हस्बैंड भी मेरा मदद कर रहे हैं। कारपेट क्लीन मेरे हस्बैंड ही करेंगे, ऐसे झाड़ेंगे उठा के अच्छे से साफ़ करेंगे ताकि इसमें जितने भी धूल लगे हो वो क्लीन हो जाए अच्छे से। इसको बाद साइड कर देंगे। मैं पूरे हॉल में झाड़ू लगा रही हूँ कोने कोने से। डाइनिंग टेबल का चेयर हटा के मुझे झाड़ू लगाना है तो मैं झाड़ू पूरा लगा लूँगी, अच्छे से पूरा क्लीन कर दूँगी। मैंने हॉल में पूरा झाड़ू लगा लिया अच्छे से। अब मेरा पोछा लगाने का काम शुरू हो रहा है, मैं पोछा बेडरूम से शुरू करूँगी। क्लीन हो चुका है, पोछा भी लग चुका है। अब मैं हॉल में पोछा लगा रही हूँ, अच्छे से क्लीन करूँगी। डाइनिंग टेबल के अंदर अंदर तक मैं मुझे पोछा लगाना है, पूरा पोछा लगा के क्लीन कर लूँगी। मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा रही हूँ ताकि मेरे को जल्दी जल्दी पूजा भी करना है, पूजा का टाइम होता जा रहा है। हॉल में पोछा लग चुका है, अब मैं पूजा रूम में जाऊंगी क्लीन करने के लिए, पोछा लगाने के लिए। पूजा रूम में मैं बालकनी से शुरू करूंगी क्योंकि यहाँ तुलसी जी का भी पूजा होता है। तो फ्रेंड्स, मेरा पूजा रूम भी साफ हो रहा है, लगभग ख़त्म हो गया है, सफाई कंप्लीट हो चुकी है, पोछा लग चुका है। तो मैंने सारे रूम हॉल क्लीन कर लिए हैं, अब एक किचन बच गया है, किचन को जल्दी जल्दी मैं क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो मेरा किचन क्लीन है लेकिन अभी मैं कुछ कुछ मैं चाय बनाया था तो अच्छे से बर्तन है, रात के थोड़े दो तीन बर्तन हैं, वैसे तो मैं साफ़ करके सोती हूँ, दो तीन रह गए थे तो उसको मैं क्लीन करूँगी, गैस क्लीन करूँगी क्योंकि आज मेरा व्रत है, मुझे चाय बनाना होगा इसलिए मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी इसको पहले। मेरा किचन क्लीन हो गया है, सिर्फ बर्तन धोना रह गया है। अभी जल्दी जल्दी करके मैं इसको बर्तन धो लेती हूँ, बर्तन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। अब मेरा साफ़ सफाई का काम ख़त्म हो गया है, किचन भी क्लीन हो गया अच्छे से। अब मैं ब्रश कर रही हूँ, उसके बाद अब मैं नहाने जाऊँगी, मेरे हस्बैंड नहाने गए हुए हैं, मेरा जल्दी से मैं ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं भी जाऊँगी नहाने के लिए। जल्दी नहा लेती हूँ, बकेट में पानी भर रही हूँ एंड मैं नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, मैं पूजा में बैठ गई हूँ। अभी मैं मंदिर साफ़ कर रही हूँ, पहले मैं सारे भगवान को साफ़ करूँगी, अच्छे से नहाऊँगी, फिर उसके बाद नया कपड़ा बिछाऊँगी मंदिर में। भगवान को अच्छे से मैंने मंदिर में सजा दिया है इस तरह से। अब इसके बाद मैं बालाजी मंदिर गई थी, यहाँ से मैंने इन दोनों को परचेज किया था। अभी मैं शंकर भगवान को दूध से स्नान करूँगी, कच्चे दूध से स्नान कर रही हूँ मंत्र पढ़ के शंकर भगवान का। उसके बाद मैं गौ माता को गंगा जल और पानी से स्नान करूँगी, दिया जला रही हूँ। मेरे हस्बैंड बार-बार कैमरा देख रहे हैं ताकि देख रहे हैं कि एंगल सही है कि नहीं कैमरे का। मैं दिया जला लिया है, मैंने पूरा भगवान को अच्छे से मैंने साफ़ करके अच्छे से सजा के माला चढ़ा के प्रसाद चढ़ा के सब रख दिया है। अभी मैं दिया जला रही हूँ, इसके बाद मैं चालीसा पढ़ूँगी, गणेश जी का चालीसा पढ़ूँगी। मैंने गणेश जी का चालीसा पढ़ लिया है, अब मेरे हस्बैंड शिव जी का चालीसा पढ़ रहे हैं। तो हमने
हनुमान जी का चालीसा, शंकर भगवान का चालीसा और गणेश जी का चालीसा पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम आरती करेंगे। अब मैं आरती कर रही हूँ। तो हमारा घर का पूजा हो चुका है। अभी मैं पास के मंदिर में जा रही हूँ, दुर्गा माता मंदिर है, लेकिन इसमें इसी के अंदर शंकर भगवान का भी मंदिर है, तो यहाँ पर मैं दर्शन करने जा रही हूँ शंकर भगवान के मंदिर में। देखिए आज महाशिवरात्रि है तो कितना भीड़ है इस मंदिर में, बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए पूरा हम कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए दुर्गा जी की मूर्ति है। तो हमारा पूजा यहाँ पर समाप्त हो गया, अब हम जाते हैं। तो हम घर आ चुके हैं, अभी कुछ पेट पूजा हो जाए, नाश्ता कुछ हो जाए, तो इसीलिए फिर मैं मूंगफली को फ्राई कर रही हूँ। मूंगफली और मखाना को घी में थोड़ा फ्राई करके, और हस्बैंड का भी आज व्रत है तो उनको भी आज दे रही हूँ मैं खाने के लिए। तो जल्दी जल्दी मैं इसको बना लेती हूँ। फिर एक साइड से हमारा दूध भी गर्म हो रहा है, चाय बनाऊँगी कुछ देर बाद, फिर मैं चाय भी बनाऊँगी। तो शाम हो गई है, अभी हम मैंने घर का आरती कर लिया है, उसके बाद मैं प्राचीन शिव मंदिर, नागपुर के प्राचीन शिव मंदिर में आई हूँ। बहुत भीड़ है यहाँ पर। तो शिवि कहाँ आई हो आज? मैं नागपुर प्राचीन शिव मंदिर में आई हूँ। नागपुर के प्राचीन शिव मंदिर में आए हैं, आज महाशिवरात्रि है इसलिए हम दर्शन करने आए हैं। देखिए शिव मंदिर में कितना भीड़ लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, हमें काफ़ी टाइम लगा। अब हमारा दर्शन हो चुका है और अब हम घर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा वक्त आ गया पेट पूजा का, पूजा करके आ गए हैं, सुबह शाम हमने दोनों टाइम पूजा किया, अभी हम साबूदाना वड़ा और मूंगफली की चटनी बना रहे हैं व्रत में खाने के लिए। चलिए देखते हैं किस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो हमारा लगभग डिनर तैयार हो चुका है, साबूदाना का वड़ा और चटनी, मूंगफली की चटनी, ये देखिए तैयार हो चुका है। ये मूंगफली की चटनी है, अच्छे से तड़का लगा दिया हमने। कैसा बना है आज का डिश? बहुत स्वादिष्ट है और दुकान में फेल कर दिया है। और मिश्रा जी आप बताइए? बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट का टेस्ट। थोड़ा तेज बोलिए, वॉल्यूम टीचर है आप। टेस्ट अच्छा है, स्वाद अच्छा है। हाँ। और आप लोगों की मेहनत रंग लाई। अच्छा। और अगर आप लोग ये काम कंटिन्यू किए तो दूसरा रोजगार खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। और बहुत अच्छे से तेजी से कदम बढ़ाते हुए आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। और सुबह आपको कैसा लगा? मुझे अभी तो खा ही नहीं हो, खा के जल्दी बताओ। आप लोगों का मन लचा रहा है ये मुझे मालूम है। हाँ। लेकिन जब हम लोगों से बचेगा तभी आप लोग खा पाएंगे। अच्छा अच्छा, नहीं खाइए, पेट भर के खाइए, हमको लगेगा हम सक्सेसफुल हो गए बनाने में।